कि फोलिया के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, तो फोलिया के अंदर बाहर कवरिंग है ग्रे मैटर की और उसके अंदर फिल हुआ हुआ है व्हाइट मैटर। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आर्बर विटाए। आर्बर विटाए वर्ड का लिटरल मीनिंग है ट्री लाइक अपीयरेंस। जो मैटर का पैटर्न ऐसा है कि ये बिल्कुल ट्री की ब्रांचेस के जैसा लगता है, इस वजह से, इस पैटर्न की वजह से इस अपीयरेंस को हम आर्बर विटाए कहते हैं। सेरिबेलम की सब डिवीजंस की बात करते हैं। सेरिबेलम को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो बेस है वो एनाटॉमिकल बेसिस यानी स्ट्रक्चरल बेसिस। इस बेस पर हम सेरिबेलम को तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक इसमें एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है, कुछ बुक्स में, कुछ टेक्स्ट में इसको मिडल लोब लिखा होता है, ठीक है, दोनों सही है, और एक फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है। और जाहिर है तीन स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको डिवाइड करने वाले दो इंपॉर्टेंट फिशर्स हैं। एक फिशर का नाम प्राइमरी फिशर है, एक का नाम पोस्टीरोलेटरल फिशर या यूवियुलो नोड्यूलर फिशर है। स्नेल में यूवियुलो नोड्यूलर फिशर लिखा है, लेकिन बाकी टेक्स्ट में इसको पोस्टीरोलेटरल फिशर कहकर एड्रेस किया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं जो सबसे ऊपर या सबसे आगे पोर्शन है ये एंटीरियर लोब है, फिर प्राइमरी फिशर की वजह से ये सेपरेट है किससे, पोस्टीरियर लोब से। उसके बाद यहाँ पर पोस्टीरोलेटरल फिशर होगा जिसकी वजह से ये अंडरलाइन फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब से सेपरेट है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये एंटीरियर लोब है, ये पोर्शन पोस्टीरियर या मिडल लोब है, और ये जो छोटा सा पोर्शन है बिल्कुल ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस ग्रॉस अपीयरेंस में बिल्कुल स्लिट्स की तरह का पैटर्न है, ऐसा क्यों है, फिशर्स की वजह से, यही फिशर्स हैं कट्स हैं अंदर जो सेरिबेलम के अंदर फिशर लाइक अपीयरेंस देते हैं। दूसरा जो तरीका है सब डिवीजंस करने का सेरिबेलम की वो है जोन्स के हिसाब से। जोन्स जो डिवाइस किए गए हैं ये न्यूरोलॉजिकल स्टडी और पेट स्कैनिंग होती है, एक टेक्निक है स्टडी की ब्रेन को, ठीक है, जिस तरह एमआरआई और सीटी स्कैन होते हैं उस तरह की पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, ठीक है, पेट स्कैनिंग। जस्ट ये समझने की हद तक आपके लिए कि एक टाइप ऑफ टेक्निक है ब्रेन को स्टडी करने की, उसकी वजह से जो हमें फंक्शनल डिफरेंसेस मिले हैं, ठीक है, उस बेस पर हमने डिवाइड किया है सेरिबेलम को तीन जोन्स में, ठीक है। ये अभी जो हम देख रहे हैं ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं, यानी कि अगर आप अपनी गर्दन के पीछे से खड़े होकर देखें तो सेरिबेलम कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो वर्मिस इंटरमीडिएट जोन है और लेटरल जोन है। वर्मिस वो है जो मिड लाइन में, ठीक है, ये क्या करता है, अब ये जिस तरह मिड लाइन में है ना, और जैसे ह्यूमन बींग की मिड लाइन है, ये बिल्कुल उसी तरह मिड लाइन के लॉन्ग एक्सिस के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करता है, नेक को, शोल्डर को, थोरिक्स, एब्डोमेन और हिप्स को, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करता है। हॉरिजॉन्टल फिशर की सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, वो कंसीडर नहीं होता। इंटरमीडिएट जोन जो है वो डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब्स के मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे हैंड्स और फीट के मसल्स को, ठीक है। इंटरमीडिएट वो है जो वर्मिस और लेटरल के दरमियान है, लेटरल वो है जो बिल्कुल साइड्स पर है। ये सिक्वेंशियल मूवमेंट्स प्लान करता है पूरी बॉडी की, यानी कि जैसे आपने एक मूवमेंट प्लान की कि आपके आगे पानी एक ग्लास पड़ा है, आप आगे होकर उसको उठाकर पानी पिएंगे, ये प्लान है। ये पूरी मूवमेंट का प्लान करना और उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करवाना सेरिबेलम का काम है, ठीक है। और उसके अलावा ये कॉन्शियस असेसमेंट ऑफ मूवमेंट एरर्स से भी इसका मतलब ताल्लुक है, ये करवाएगा, यानी कि अगर हम चलते चलते स्लिप होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्यों स्लिप हुए हैं, क्योंकि हमने शायद मे बी किसी ऐसी चीज पे पांव रखा था जो बैलेंस सही नहीं थी, फिर अगर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की वो हाथ से निकली, हमें अंदाजा हुआ है कि हाथ हमने थोड़ा सा ज्यादा राइट या लेफ्ट किया होता तो हम ग्रैस्प कर लेते, जैसे क्रिकेट में कैच छूट जाते हैं। तो इस तरह की जो असेसमेंट है ना मूवमेंट एरर्स की, वो भी सारी सेरिबेलम करता है, यानी एक तो मूवमेंट एग्जीक्यूट कर पाता भी है, उसके अलावा अगर मूवमेंट प्रॉपर ना हो उसमें जो गलती हो उसकी असेसमेंट भी सेरिबेलम ही करता है। तीसरा जो पैटर्न है सब डिवीजंस का उसको फंक्शनल डिवीजंस भी कहते हैं।
अब जो हमने अभी पैटर्न पढ़ा है, जिसमें हमने जोन्स पढ़े थे, उन्हीं जोन्स की बेस पर आगे मजीद डिवाइड करके ये पैटर्न है। यानी कि जैसे इसमें सबसे पहली चीज है स्पाइनो सेरिबेलम। अगर आप पिक्चर के पैटर्न से देखें तो इसके अंदर वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, तो स्पाइनो सेरिबेलम के अंदर वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन आएगा। अब ये क्या करता है, ये बॉडी की मूवमेंट्स अलाउ करता है, मतलब कि आप मूवमेंट को करेक्ट करें, एरर करेक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, और प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अब ये क्योंकि ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये उससे थोड़ी डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से थोड़े से फंक्शंस ओवरलैप करेंगे। सही, अब एक इसमें सेरिब्रो सेरिबेलम है, ये इसमें ज्यादा जो पोर्शन है वो लेटरल लोब्स का आ रहा है। ठीक है, ये प्लानिंग मूवमेंट्स और मोटर लर्निंग में इन्वॉल्व है। मोटर लर्निंग यानी कोई भी एक्टिविटी है, यानी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ना, एक टेक्निक है, एक स्किल है। इसके अलावा कोई भी चीज जो आप हाथ से काम करना, सर्जरी सर्जरी की टेक्निक, आप स्टिच लगाना सीखते हैं, आप कोई भी स्किल वाला काम करना सीखते हैं, उसमें सेरिब्रो सेरिबेलम इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये मसल एक्टिवेशन है और में इन्वॉल्व है, और उसके अलावा विजुअली गाइडेड मूवमेंट यानी कुछ चीज देख कर जो आप सीखते हैं, ये देख कर जो करने के काम होते हैं वो आप सारे इस पोर्शन ऑफ द सेरिबेलम की वजह से करते हैं। उसके अलावा एक पोर्शन है जिसको वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम कहते हैं। अब वेस्टिब्यूल वर्ड जहां भी आएगा वहां का मतलब है बैलेंस। ठीक है, यानी कि वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई से रिलेटेड है तो उसका मतलब है बैलेंस। और इसके अलावा ये ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस में भी इन्वॉल्व है। अगर आप वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई को रिकॉल करें तो उसमें हमने भी पढ़ा था कि थर्ड नर्व का भी रोल होता है, आई मूवमेंट का भी, क्योंकि बैलेंस में रोल है, नेक मसल्स का है, और एक जगह पर आंखें फिक्स करके जो देखना है, यानी एक चीज को मसल देखते रहना बेशक चीज मूव करे, वो भी वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम की वजह से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल सेरिब्रम की तरह या सीएनएस के बाकी पोर्शंस की तरह यहाँ पर भी एक आउटर ग्रे मैटर है और एक इनर व्हाइट मैटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो ग्रे मैटर है वो माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स में इन्वॉल्व है। यानी कि सेरिब्रम जो है उसके अंदर भी हमें पैटर्न मिलेगा, यानी कि जो ग्रे मैटर है वो होमोजेनस नहीं है, यानी कि ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं है, उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसे आपके सामने जो कॉर्टेक्स लिखा है, इसमें एक मॉलिक्यूलर लेयर है, इसमें एक परकिंजी लेयर है, और इसमें एक ग्रेन्यूलर लेयर है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनके टाइप ऑफ सेल्स, इनके अंदर मौजूद फाइबर्स। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी जाए तो ये सब स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो यहाँ कलर से रिप्रेजेंट किए हुए, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेन्यूल सेल्स की। ठीक है, तो ब्लू कलर को आप देखते जाएं, ये ग्रेन्यूल सेल है। सही, ये क्या करता है और ये है कहाँ मौजूद है, पहले देखें, ये ग्रेन्यूलर लेयर के अंदर मौजूद है, कि मैं इसको भी हाईलाइटर को भी ब्लू ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रेन्यूलर लेयर के अंदर मौजूद है और वहां से कहाँ जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेयर में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेन्यूलर सेल है ये मॉसी फाइबर्स हैं, कोर टाइप ऑफ फाइबर्स, जो देखिए बाहर से व्हाइट मैटर से आ रहे हैं, इसका मतलब है ये किसी ट्रैक्ट से आ रहे हैं, यानी कि जो बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन है वो ये ग्रेन्यूल सेल रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है मॉलिक्यूलर लेयर में। मॉलिक्यूलर लेयर में इसी के फाइबर्स जो है चेंज होकर पैरेलल फाइबर्स बनाते हैं, और ये फाइबर्स बाकी टाइप ऑफ न्यूक्लियाई के साथ साइनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है, स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो परकिंजी सेल है ये डार्क कलर से रिप्रेजेंटेड है, इसके साथ ज्यादा कनेक्शंस बनाए हैं इन पैरेलल फाइबर्स ने, तो ये परकिंजी सेल को अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो क्या है, वो परकिंजी सेल्स हैं। ठीक है, परकिंजी सेल सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, और ये कहाँ लेयर लोकेटेड है, इसकी लेयर का ही नाम परकिंजी लेयर है, क्योंकि यहाँ पर ये डेंस होते हैं, ज्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी परकिंजी लेयर के अंदर है, डेंड्राइट्स इसके मॉलिक्यूलर लेयर में भी जा रहे हैं, लेकिन एक्सॉन्स निकलकर व्हाइट मैटर में जा रहे हैं। जो भी फाइबर व्हाइट मैटर में जाएगा या उधर से जाएगा, मतलब ये है कि वो एग्जिट पाथवे का, या तो वो एफरेंट आने वाले पाथवे का हिस्सा है या वो एफरेंट जाने वाले पाथवे का हिस्सा है, लेकिन ग्रे मैटर से निकलकर जा रहा है। ठीक है,
अब ये जो प्रकिंजी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, ऑरेंज कलर से शो किए हुए, ये भी देखें बाहर व्हाइट मैटर से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कोई मैसेज लेकर आ रहे हैं। इनसे ये मैसेज रिसीव करता है, इनपुट रिसीव करता है। ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है ना, ये खुद इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेन्यूल सेल्स से भी मैसेज रिसीव करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पैरेलल फाइबर्स बने थे इनका भी कनेक्शन बन रहा है परकिंजी सेल के साथ, ठीक। और एक्सॉन्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेलिब्रल न्यूक्लाई में। तीसरे टाइप ऑफ सेल्स जो हैं यहाँ पर वो गोल्जी सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। गोल्जी सेल्स जो हैं वो कहाँ डेंस से ज्यादा, वो ग्रेन्यूलर लेयर में मौजूद हैं। अब ये पैरेलल फाइबर्स से इनपुट लेते हैं, आप देखें कि ये भी पैरेलल फाइबर्स के साथ सेनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। वहां से इनपुट लेते हैं और परकिंजी सेल्स को पहुंचाते हैं। परकिंजी सेल्स जो हैं वो सेंट्रल सेल्स हैं, ठीक है। सारे टाइप ऑफ सेल्स अपना मैसेज इसकी तरफ कन्वे करेंगे, ठीक है। आप कलर कोडिंग से देख सकते हैं, साथ ये जो कलर लिखा हुआ है ना उस टाइप के फाइबर को सिर्फ देखना है, ठीक है। इससे सिंप्लीफाइड इमेजेस की अवेलेबल नहीं थी। स्टेलेट सेल की बात करते हैं इसके बाद। स्टेलेट सेल वो है जो येलो कलर से शो किए हैं, ठीक है। अब आप जस्ट येलो कलर पे ही फोकस करें, ये कहाँ मौजूद है, मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ये पैरेलल फाइबर ब्लू वाले के साथ भी साइनेप्स कर रहा है, इसका मतलब है ये पैरेलल फाइबर से भी इनपुट रिसीव करेगा, और परकिंजी सेल डेंड्राइट्स के साथ भी यहाँ पर ये कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है इनके ये बाद में हम एज अ होल डिस्कस करेंगे, जस्ट फिलहाल ये किस लेयर में है और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस कोई नहीं है, ये रैंडम आप इसको बस याद कर लिए, एक टाइप ऑफ सेल किस लेयर में मौजूद है और किसके साथ सिनेप्स बना रहे, ठीक है। उसके बाद जो टाइप है वो है बास्केट सेल्स। बास्केट सेल्स कहाँ मौजूद है, पिंक कलर देखिए, मॉलिक्यूलर लेयर में मौजूद है, ठीक है। ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स आपको मॉलिक्यूलर लेयर में ही मिलेंगे। उसके बाद बास्केट सेल्स क्या करेंगे, ये भी पैरेलल फाइबर से इनपुट रिसीव करेंगे और साथ में परकिंजी सेल्स के साथ, ठीक है। आपने सिंपल पैटर्न ये रखना है, आपको बाद में इसका आसान तरीका बता दूंगी कि आपने कैसे इसको याद रखना है। फिलहाल जस्ट एक एक सेल को फिलहाल कलर के साथ रिलेट करके, जिसका मैं नाम लेती हूँ, वो देखते जाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मॉसी फाइबर्स, ठीक है। मॉसी फाइबर्स जो है आपने देखा है कि ये व्हाइट मैटर से आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये मैसेज कन्वे करके ला रहे हैं, और ये जाएंगे कहाँ, ये आते कहाँ से, बेसिकली ये ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर व्हाइट मैटर से आ रहे हैं, और ग्रे मैटर में कहाँ आ रहे हैं, ग्रेन्यूलर लेयर के अंदर। अब देखें कि ये किन वाले न्यूरॉन्स के साथ जाकर मिल रहे हैं, ये ग्रेन्यूल सेल्स के साथ मिल रहे हैं जाकर, ठीक है। तो ये ग्रेन्यूल सेल्स में जो मैसेज ये ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर व्हाइट मैटर से लेकर आए होते हैं, ये मैसेज ग्रेन्यूल सेल्स तक कन्वे करते हैं। अब देखें ग्रेन्यूल सेल्स खुद जाकर पैरेलल फाइबर्स बनते हैं और वो मल्टीपल सेल्स के साथ सिनेप्सिस बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि ग्रेन्यूल सेल के थ्रू मॉसी फाइबर्स अपना मैसेज सारे सेरिबेलर कॉर्टेक्स के सेल्स में कन्वे करते हैं, ठीक है। अभी जब हम इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ये मजीद क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ बात सुनते जाएं, ठीक है। याद करने के बारे में नहीं सोचें, इतना सारा स्टाफ है कैसे होगा, हो जाएगा, पहले समझे तो सही, ठीक है। लास्टली जो फाइबर्स हैं उनका नाम है क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। इनका नाम क्लाइंबिंग इसलिए है क्योंकि जब ये ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम की तरफ आते हैं ये बिल्कुल इस तरह चढ़ते हैं जैसे कि दरख्त के ऊपर वाइन की बेल चढ़ती है। नॉर्मली एक बेल जैसे एक दरख्त के ऊपर चढ़ती है ना, तो ये बिल्कुल इस तरह इस पैटर्न से आ रहे होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह जा रही है, ठीक है। तो तभी इसको क्लाइंबिंग फाइबर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर व्हाइट मैटर से आते हैं और इनपुट ये भी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से लेकर आते हैं और परकिंजी सेल डेंड्राइट्स के ऊपर सिनेप्स कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई की। इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई वो हैं जो ग्रे मैटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियाई वैसे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई ग्रे मैटर की कलेक्शंस होती हैं,
तो यहाँ पर मेनली चार टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, चार टाइप ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं जिनको कलेक्टिवली इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब इसमें नाम है इनके फेस्टिजियल न्यूक्लियस, एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोज न्यूक्लियस और डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है। इसके हम लोग इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं, इस तरह भी याद रहते हैं कि डी ई एफ और जी जैसे अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है, उसी तरह याद करने के लिए, ठीक है। आप याद कर सकते हैं इसको पैटर्न को, मीडियल से लेटरल वाला भी इसी तरह प्रोसीड करता है, ये लेटरल टू मीडियल अगर आप चाहें, पहले डेंटेट है उसके बाद एम्बोलीफॉर्म है फिर ग्लोबोज है फिर फेस्टिजियल, ठीक है। ग्लोबोज और फेस्टिजियल को उल्टा कर देना है, लेकिन अगर आप रैंडमली भी याद रखते हैं तो ठीक है इसको, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियाई है, सेरिबेलम में मौजूद है, और इनका फंक्शन क्या है, ये जो न्यूक्लियाई है ये आउटफ्लो बनाते हैं सेरिबेलम का, यानी सेरिबेलम से जो भी मैसेजेस बाहर जाएंगे, एक तो सेरिबेलम खुद रिसीव करता है मैसेजेस, जो सेरिबेलम का इफरेंट पाथवे है ना वो सारा इन सेरिबेलर न्यूक्लियाई से होकर गुजरता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी रेड न्यूक्लियस के साथ फाइबर जा रहे हैं, ये थैलेमस के पोर्शन में फाइबर जा रहे हैं या ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, वो सब इन्हीं न्यूक्लियाई से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न क्या है इनमें, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेंटेट न्यूक्लियस है, ठीक है। डेंटेट न्यूक्लियस की लुक बिल्कुल वैसी है जैसे ओलिवरी न्यूक्लियस की थी, क्रम्पल्ड बैग है जिसकी डायरेक्शन जो है वो मिड लाइन की तरफ है, ठीक है। इसमें से फाइबर्स क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं और स्पीरियो सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू आगे ब्रेन में चले जाते हैं, ठीक है। एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो ओवल शेप है और डेंटेट न्यूक्लियस से मीडियल मौजूद है, ठीक है। ग्लोबोज जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड है और मजीद मीडियल मौजूद है, और जो फेस्टिजियल है वो सबसे ज्यादा मिड लाइन के करीब है, ठीक है बिल्कुल। और ये लाइव भी वर्मिस के अंदर करता है, अगर आप उस एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन को याद करें, फंक्शनल क्लासिफिकेशन को, तो बिल्कुल वर्मिस वाली जगह पर फेस्टिजियल न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। ये सब किन से बने, ग्रे मैटर के कलेक्शंस हैं, क्योंकि ये सेरिबेलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और काम इनका क्या है, ये सेरिबेलम का आउटफ्लो ट्रैक बनाते हैं। सेरिबेलम के व्हाइट मैटर की बात करते हैं, तो व्हाइट मैटर में सेरिबेलम के तीन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक इसमें इंट्रिंसिक फाइबर्स हैं, वेंट्रलिस लेटरलिस जो है थैलेमस का पार्ट है, मैंने बताया ये भी। तीन ग्रुप्स हैं फाइबर्स के, इंट्रिंसिक फाइबर्स हैं, ठीक है, अफरेंट फाइबर्स हैं और इफरेंट फाइबर्स हैं। अब इंट्रिंसिक फाइबर्स वो हैं, इंट्रिंसिक से पता चल रहा है कि जो सेरिब्रलम के अंदर ही रहेंगे, ये सेरिब्रलम को छोड़कर नहीं जाते बाहर, और एक्ट करते हैं एज इंटरन्यूरॉन्स, यानी आपस में रीजन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जो है डिफरेंट फोलिया को कनेक्ट करेंगे, कुछ वर्मिस को कनेक्ट करेंगे, कुछ दो डिफरेंट सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स यानी लेफ्ट और राइट साइड के सेरिबेलम को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर अफरेंट फाइबर्स है, अफरेंट कौन से, वो जो मैसेज लेकर सेरिबेलम के पास आएंगे कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए। व्हाइट मैटर का ज्यादा हिस्सा अफरेंट फाइबर्स ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के सारे बाकी सिस्टम सारे बाकी ट्रैक से मैसेजेस लेकर सेरिबेलम के पास लाते हैं ताकि वो उनको कोऑर्डिनेट करके दे, ठीक है। और ये जो अफरेंट फाइबर्स हैं ये ज्यादातर इंटर होते हैं सेरिबेलम में थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है, उन दोनों के थ्रू ये इंटर होते हैं। तीसरी जो टाइप है उनको इफरेंट फाइबर्स कहते हैं, यानी मैसेज लेकर जाने वाले, ये आउटपुट बनाते हैं। अब जाहिर है ये आउटपुट बनाते हैं तो ये वो हैं जो ज्यादा इन न्यूक्लियाई से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर टर्म है इंटरपोज न्यूक्लियाई, जो हमारा एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोज न्यूक्लियस है ना, एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोज, उनको कलेक्टिवली इंटरपोज न्यूक्लियाई भी लिखते हैं, क्योंकि वो दोनों राउंड है सेंटर में, तो उनको एक यूनिट कंसीडर करके इकट्ठा इंटरपोज्ड न्यूक्लियाई, क्योंकि वैसे भी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इंटरपोज न्यूक्लियाई लिखते हैं। अब इफरेंट फाइबर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये मैसेज बाहर लेकर जाएंगे सेरिबेलम से, इसमें ज्यादा जो है प्रकिंजी सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे मैसेज बाहर कन्वे किया जाता है। अब ज्यादातर जो फाइबर्स हैं यहाँ पर वो सैनैप्स करके
जाते हैं, लेकिन कुछ फाइबर्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिनेप्स किए बगैर डायरेक्टली चले जाते हैं आगे मैसेज कन्वे करने। ठीक है, वो इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे जो मैसेजेस होते हैं मूवमेंट्स रिलेटेड, वो कन्वे करते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स हैं डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोज और वेस्टिजियल न्यूक्लियस से, ये ज्यादातर किन से एग्जिट करते हैं? ठीक है, ये ज्यादातर जो है स्पीरियस सेरिबेलर पेडंकल से एग्जिट करते हैं, और इसमें से भी जो वेस्टिजियल न्यूक्लियस है उसके फाइबर ज्यादातर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से एग्जिट करते हैं। ठीक है, जो तीन न्यूक्लियाई हैं डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोज, उनके फाइबर ज्यादा एग्जिट करते हैं स्पीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, और जो वेस्टिजियल न्यूक्लियस है उसके फाइबर्स एग्जिट करते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से। अब बात करते हैं सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म की, कि ये सब काम होता कैसे है सेरिबेलम में, जो मैसेजेस आते हैं और कोऑर्डिनेट होकर जाते हैं, इस सब का तरीके का के इस सब का तरीका ये है कि मेन न्यूक्लियस से आएंगे और दूसरे आ जाते हैं मौसी फाइबर्स। मौसी फाइबर्स कहाँ से आएंगे? ये पॉन्स और बाकी ब्रेन में से आते हैं। ठीक है, अब पैटर्न ये है कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये जैसे लिखा हुआ है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक के फाइबर्स है। ठीक है, और इनका नाम जैसे मैंने बताया क्लाइंबिंग, इसलिए क्योंकि ये क्लाइंब कर रहे होते हैं सेरिबेलम में लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, अब ये जब सेरिबेलम में आते हैं और स्पेशली ग्रेन्यूलर लेयर के अंदर आते हैं, वहां ये डिवाइड होते हैं और ये फिर परकिंजी सेल के साथ सैनैप्स बनाते हैं। ठीक, परकिंजी सेल के साथ सैनैप्स बनाते हैं और परकिंजी सेल को सारा मैसेज कन्वे करते हैं अपना एक्साइटेशन का। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग फाइबर ने प्लस किया है परकिंजी सेल को, यानी कि अपना एक्साइटेशन का मैसेज जो है वो परकिंजी सेल को दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं मौसी फाइबर्स। अब मौसी फाइबर्स जो हैं ये बाकी सारे स्पेलर आफ्टर ट्रैक के टर्मिनल फाइबर्स हैं, जो ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहा है वो क्लाइंबिंग फाइबर्स से आ रहे हैं, और बाकी जितने भी ट्रैक्स, जितने भी पाथवे सेरिबेलम के अंदर आ रहे हैं वो सब किसके थ्रू आ रहे हैं? मौसी फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, अब इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये क्लाइंबिंग फाइबर्स की निस्बत ज्यादा एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि मल्टीपल साइड से मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल जो मौसी फाइबर है वो थाउजेंड्स ऑफ परकिंजी सेल्स को एट द सेम टाइम एक्साइट कर सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर सारा काम जो है वो परकिंजी सेल्स कर रहे हैं और जाकर ग्रेन्यूलर सेल्स के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्रेन्यूलर सेल्स हैं उन्हीं ने जाकर पैरेलल फाइबर्स बनाए, और पैरेलल फाइबर्स ने ही सारों के साथ बाद में सिनेप्सिस बनाए थे, तो बाकी सेल्स का फंक्शन क्या है जो हमने लेयर्स पढ़ी? ये जो पांच सेल्स आपके सामने लेबल्ड है ना, ये इंट्रिंसिक सेल्स हैं सेरिबेलम के, यानी सेरिबेलम के अंदर ही जो मौजूद होते हैं वो ग्रेन्यूलर सेल्स, परकिंजी सेल्स, गोल्जी सेल्स, बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल्स होते हैं। अब इनमें जो परकिंजी और ग्रेन्यूलर सेल्स हैं ये एक्साइटेड हैं, जैसे भी हमने देखा, कि जो बाकी रेड से मेंशन है गोल्जी बास्केट और स्टेलेट सेल, ये सारे नेगेटिव या इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। बाकी जो चीजें ना हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हाफ सेल्स एक्साइटरी हैं और हाफ इनहिबिटरी हैं, तो यही उन्हीं के इफेक्ट्स को काउंटर कर रहे होंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में दोबारा डिटेल से डिस्कस करते हैं।